हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। उबेर कब संबंधित है? आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होने चाहिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, उबेर कब संबंधित है? यह किससे रिलेट करता है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल से संबंधित है? जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? बैडमिंटन के साथ में रिलेट कर जाएगा। ए उत्तर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप पुरुष वर्ग कब से शुरू किया गया? इसको कब से शुरू किया गया था ये बताना है आपको। 1948, 1949, 1950 या फिर डी ऑप्शन है 1951। बताइए ऑप्शन कौन सा यहां पे सही होगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। थॉमस कप की बात की जा रही है, पुरुष वर्ग कब से शुरू किया गया? बताइए जल्दी से अपना राइट आंसर अपने रफ कॉपी में लिखिएगा, जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं। तो यहां जो उत्तर रिलेट करेगा, जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन क्लिक कर दिया है उनका उत्तर सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 43। स्वैथलिंग कप संबंधित है? ये स्वैथलिंग कप है यह किससे रिलेट करता है? गोल्फ से रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है, टेबल टेनिस से रिलेट करता है या फिर आपका डी ऑप्शन है बैडमिंटन से रिलेट करता है। बताइएगा 43 का जो सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर के साथ रिलेट करेगा। राइट आंसर बहुत जल्दी आप लोगों ने क्लिक किया होगा, तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, सी ऑप्शन इन टेबल टेनिस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान कब संबंधित है? अब बताइएगा जो 44 है यह किससे रिलेट करता है? वेट लिफ्टिंग से रिलेट करता है, पोलो से रिलेट करता है, क्रिकेट से रिलेट करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर पार्ट 11 से लगा करके आज तक के सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? वेट लिफ्टिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना कब संबंधित है? जो 45 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है यह बताइए किससे रिलेट करता है। चाइना कप जिम्नास्टिक से रिलेट करता है, रग्बी फुटबॉल से रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है या फिर डी ऑप्शन है हॉकी से रिलेट करता है। 45 चाइना कप जो रिलेट करेगा यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करिएगा, ए बी सी या फिर आपका डी ऑप्शन। तो यहां जो उत्तर रिलेट कर जाएगा क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा प्रैक्टिस सेट आज का है, ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, जिम्नास्टिक के साथ में चाइना कप रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब कब भाग नहीं लिया? अब बताना है यहां पे यह क्वेश्चन किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियोस में भी हमने यह क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब कब भाग नहीं लिया है? 1930, 1950, 1962 या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। तो उत्तर जो रिलेट करेगा यहां पे 1930 भी हो जाएगा, 1950 भी होगा और 1962 भी हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था?
इसका आयोजन जो किया गया था कहां किया गया था, 19वें राष्ट्रमंडल खेल की बात की जा रही है। ऑप्शन है ए भारत, बी ऑप्शन चीन, अमेरिका या फिर लंदन। 47 बताइए, जल्दी जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक करिएगा अपनी रफ कॉपी में। उत्तर जो होगा क्या होगा, 47 का ए ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जुलाई के बाद आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो इसके पहले आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दो एग्जाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे, एक यूपी टीजीटी पीजीटी और दूसरा उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसीज एडेड में निकली थी वो भी उसी के साथ में आगे पीछे हो जाएंगी, जो भर्तियां निकली हुई हैं। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, देखते हैं क्या होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के उत्कृष्ट एथलीट को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार इसमें दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, या फिर आपका डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है, और एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं पुरस्कार दिया जाता है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बहुत जबरदस्त। जितने भी लोगों ने ऑप्शन क्लिक कर दिया है ए या बी या फिर सी या फिर डी, तो वहां पे राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, डेविड डिक्सन पुरस्कार के साथ में रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1959 से हुई, सन 2000 से हुई, 2001 से हुई, या फिर 2002 से इसकी शुरुआत हुई? 49 नंबर का बताइए, 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, जितने भी लोगों ने राइट आंसर क्लिक कर दिया है, 2002। तो बहुत जबरदस्त, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, जो बैडमिंटन है इससे रिलेट कौन से खिलाड़ी करेंगे? साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, या फिर ये सभी? बैडमिंटन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन आपको शो हुआ आपने आंसर क्लिक किया, ए ऑप्शन राइट होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला ओलंपिक में कब शामिल हुई, जो भारतीय महिला ओलंपिक में कब शामिल की गई थी? 1952, बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1958, या फिर डी ऑप्शन 1985। बताइएगा अपना राइट आंसर क्या होगा यहां पे। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना, 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं या फिर अकाउंट पे भी कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर आपने क्लिक किया है क्या? 1952। बहुत अच्छे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस महिला ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं, किस महिला ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? पीवी सिंधु, लारिसा लाटिनिया लाटियाना, माइकल फ्लिप्स, या फिर ये सभी? बताइए। 52, निम्न में से किस महिला ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ऑप्शन के अनुसार आंसर क्लिक करना है आपको। बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो लारिसा लाटियाना के साथ में रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा, जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। पुगलिस्टिक्स है, यह क्या है? मुक्केबाज, क्रिकेटर, ये दोनों या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं।
बताइए 53। पुगलिस्टिक्स की बात की जा रही है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मुक्केबाज के साथ रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना, कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है तो ये तो किसी से नहीं गलत होना चाहिए। बताइए 7 अप्रैल 1900 कितना होगा, 48 होगा, 49 होगा, 50 होगा या फिर 52 होगा। कब बनाया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 54। और राइट आंसर हो जाएगा 7th of April 1948 यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस से संबंधित शब्दावली है, जो चेस है इससे रिलेटेड शब्दावली बताइए कौन सी होती है। गैम्बिट इससे रिलेट करता है, फाइल्स रिलेट करता है, चेकमेट रिलेट करता है या फिर डी। बहुत से बच्चों ने तुरंत सी ऑप्शन क्लिक कर दिया, चेस देखा, चेकमेट लगा दिया, लेकिन आप अच्छे से ऑप्शन देखिएगा उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा। केवल सी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, जितने भी लोग सी क्लिक कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। चेस से संबंधित शब्दावली की बात की गई है तो गैम्बिट भी रिलेट करता है, फाइल्स भी रिलेट करता है, चेकमेट भी होगा। राइट आंसर उपरोक्त सभी के साथ रिलेट करेगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी से संबंधित शब्दावली है, रनर टैकल बोनस लाइन या फिर सभी। बताइए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है रनर से, लेकिन यह इसी से संबंधित है। अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बोनस लाइन तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर, डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के डी जाधव का उपनाम है, क्या है उपनाम, ब्लैक पर थ्रोपीडो या फिर दोनों या फिर डी ऑप्शन है पॉकेट डायनमो, 57। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं और साथ में वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। 57 का सही आंसर होगा, केडी जाधव का उपनाम क्या हो जाएगा, पॉकेट डायनमो के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और जिसको अभी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कॉन्टेक्ट करके 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं और साथ में पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्कर पिस्टोरियस का उपनाम बताइए। बताइए इसका उपनाम क्या होगा, ऑस्कर पिस्टोरियस का उपनाम क्या होगा, ब्लेड रनर होगा, ब्लैक पर्ल होगा या ये दोनों हो जाएंगे ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है इसका आप लोग आंसर क्लिक करिएगा अपनी कॉपी में और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा 20 में से आप कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं। तो ऑस्कर पिस्टोरियस जो रिलेट करेंगे इनका उपनाम हो जाएगा ब्लेड रनर के साथ में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का रिलेट करेगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, रेसलिंग से रिलेट करती हैं, क्रिकेट से रिलेट करते हैं या फिर गोल्फ या फिर इन सभी गेम से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप डी ऑप्शन को हटा दीजिएगा, अब तीन ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तीन में से एक ऑप्शन आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, तो ये जो रिलेट करेंगे किस गेम से रिलेट करेंगे, रेसलिंग होगा क्या, क्रिकेट या फिर गोल्फ, जल्दी से आंसर क्लिक करिएगा, उत्तर रिलेट करेगा गोल्फ के साथ में। जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है उनका उत्तर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस से संबंधित है, कौन टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं, मनिका बत्रा, शरत कमल अचंता दोनों या फिर अर्जुन अटवाल। क्वेश्चन नंबर 60 टेबल टेनिस से संबंधित है, तो मनिका बत्रा तो आपने नाम बहुत सुना होगा, यह तो आपका आंसर होगा, लेकिन इसके साथ में आप एक आंसर और भी होगा, शरत कमल अचंता भी हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
ये दोनों रिलेट कर जाएंगे, सी उत्तर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन केवल ए के साथ ना रिलेट करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आसान क्वेश्चन टॉप 20। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कॉन्टेक्ट कर सकता है 9621819209 पर, 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, 500 रुपीज चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट आप इसी नंबर पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको तुरंत ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, साथ में जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।